हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो हम कंटिन्यू करते हैं हमारा ट्रिग्नोमेट्री। तो आज हम देखने वाले एक नया टॉपिक, ठीक है। उससे पहले मैं एक दो थोड़ा अपना स्मूथ हो जाए इससे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं हम पहले, उसके बाद फिर हम नया टॉपिक देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है, लेट मी राइट डाउन द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज सिग्मा के इज इक्वल टू 1 से लेके 100 साइन ऑफ के एक्स इंटू कॉस ऑफ 101 माइनस के इंटू एक्स, ठीक है। दिस वी हैव टू, चलो मैं लिख देता हूं प्रूफ क्या करना है। दिस इज इक्वल टू 50 टाइम्स साइन ऑफ 101 इंटू एक्स, 101x, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो, तुम लोग वीडियो पॉज करो, एक बार खुद से ट्राई करो, ठीक है ना, और फिर मैं इसका सॉल्यूशन एक्सप्लेन करता हूं। तो देखो, सबसे पहले तो क्या किया हमने समझने के लिए, लेट्स से पहले तो मैंने इसको एस मान लिया, ठीक है ना, एस, ठीक है। अब पहले समझने के लिए इसमें पहले हम एक दो के की वैल्यू रख के एक बार एक्सपेंड करते हैं क्या बन रहा है थोड़ा बहुत, मतलब इस सीरीज की क्या करते हैं हम, सिग्मा सिग्मा जब लिखा होता है क्या करते हैं, k is equal to 1 इसमें रखते हैं प्लस, फिर k is equal to 2 रखते हैं, फिर प्लस एंड सो ऑन टिल 100 तक रखते हैं। तो ऑफ कोर्स 100 तक तो नहीं रखेंगे हम, लेकिन शुरू की उस टर्म्स रखते हैं और आखिरी की कुछ k की वैल्यूज रखते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला s is equal to, पहले k is equal to 1 इसमें रखा तो क्या आएगा, sin x into cos of, k is equal to 1 रखा तो ये कितना हो गया 100x, क्लियर है। दिस इज द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस सीरीज करस्पॉन्डिंग टू k equals to 1। अब मैंने बोला k is equal to 2 रखा तो ये क्या जाएगा, sin 2x into cos of 99x, क्लियर है। ये शुरू के दो टर्म हो गए, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, चलो अब आखिरी के दो दो एक टर्म लिख लेते हैं। तो लेट्स से k ऐसे बढ़ाते जाऊंगा, दिस इज करस्पॉन्डिंग टू k equals to 1, दिस इज करस्पॉन्डिंग टू k equals to 2। अब जब मैंने 99 रखा इसमें, सेकंड लास्ट टर्म क्या होगी, व्हेन आई विल पुट k is equal to 99, तो ये क्या हो जाएगा, sin of 99x, sin of 99x into cos of, इसमें 99 रखूंगा तो cos 2x plus, अब लास्ट टर्म लिखते हैं, मैंने लो व्हाट इज द लास्ट टर्म, जब k की वैल्यू 100 इसमें रखूंगा तो sin 100x, sin 100x into cos of x, दिस विल बी द लास्ट टर्म ऑफ दिस सीरीज, ठीक है। दिस इज माई इक्वल टू एस, मुझे एस निकालना है। सोचो अब क्या करें, वट वी कैन डू, ठीक है। और चलो मैं हिंट दे रहा हूं, अभी भी तुम वीडियो पॉज करके एक बार हिंट दे रहा हूं, मैं वाला फॉर्मूला कुछ ना कुछ इसमें चेंज करके मैं फाइनली वो फॉर्मूला यूज करने वाला हूं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, क्या यूज करने वाला हूं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। अब मैंने बोला इस टर्म पे फोकस करो, अगर मान लो मैंने बोला कि इस पे मुझे वो फॉर्मूला लगाना है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, अगर ये ए है ये बी है तो इस सीरीज में कहीं तुम्हें टर्म दिख रही है cos x sin 100x, ये एंगल इंटरचेंज वाली, आखिरी टर्म पे फोकस करो, आखिरी टर्म पे फोकस करो, तो यू कैन सी कि ये वाली जो टर्म है इसको अगर मैं सेकंड लास्ट टर्म से क्लब करूंगा तो अगर ये sin a cos b लिखा है तो ये cos a sin b लिखा है, क्लियर हुआ। तो देखो एक तरीका तो क्या है कि हर एक जैसे फर्स्ट इसकी फर्स्ट टर्म और आखिरी टर्म क्लब करो, ठीक है, फिर सेकंड टर्म आगे से सेकंड टर्म पीछे से, देखो वही बन रहा है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, समझ में आ रहा है। या फिर ऐसे करो, क्या करो, मैंने दोबारा इसको एस लिख लिया, अब क्या किया है एस उल्टा उल्टा करके लिख दिया, मतलब पीछे से स्टार्ट किया, समझ में आ रहा है। या तो वैसे कर लो तुम, जैसे मैंने बताया कि पहला टर्म को आखिरी टर्म से क्लब करो, फिर शुरू की सेकंड टर्म से को पीछे की सेकंड टर्म से क्लब करो एंड सो ऑन, ठीक है। बट मैंने क्या किया, उसी का ऑल्टरनेटिव वे क्या है, इसी सीरीज को मैं उल्टा करके लिख रहा हूं, तो ये ज्यादा तुम्हें आसान लगेगा। क्या किया, उस सीरीज को उल्टा करके लिख दिया, वो आखिरी टर्म इसके नीचे लिखा, क्या आएगा, साइन 100x कॉस एक्स प्लस, फिर जो सेकंड लास्ट टर्म इसके नीचे आ जाएगा, क्या जाएगा, ये साइन 99x कॉस 2x एंड सो ऑन। इसके नीचे कौन सा आएगा, इसके नीचे जब मैं उल्टा करके लिखूंगा तो इसके नीचे कौन सा आएगा, सेकंड टर्म आएगा, आगे से जो सेकंड टर्म होगा वो इसके नीचे आएगा, तो क्या आएगा, साइन 2x कॉस 99x एंड लास्टली ये वाला टर्म उसके नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ हमारा 100x। यहां तक क्लियर है। अब क्या करूं, ऑफकोर्स एड कर देंगे हम, अब ऐड कर दिया, ठीक है ना। तो मैंने बोला नाउ आई विल ऐड दीज टू इक्वेशंस, तो एस प्लस एस तो हो गया 2s इज इक्वल टू, अब देखो चमत्कार,
साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी क्या हो जाएगा, साइन ऑफ ए प्लस बी, तो मैं डायरेक्टली लिख लू साइन ऑफ ए प्लस बी, और ए प्लस बी क्या होगा एक्स प्लस हंड्रेड एक्स 101x प्लस फिर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये कॉस 2x है ठीक, क्योंकि ये पीछे ये वाला टर्म लिखा था ना हमने, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, अगेन साइन ऑफ ए प्लस बी, बट अब ए प्लस बी तो अलग, ए और बी तो अलग है, बट दोनों का सम तो अभी भी 101x है, 99x प्लस 2x, तो 101x प्लस एंड सो ऑन, तो सेकंड लास्ट टर्म क्या बनेगा देखो इधर, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, अगेन साइन ऑफ ए प्लस बी, and that will be 99 plus 2 101x plus again sin a cos b plus cos a sin b, so that is again sin of a plus b, that is 101x. So luckily kya hua, luckily kya hua, sare terms same ban gaye. Ab ye kitne term likhe hain, 1 2 3 aise kitne term likhe hain, iske corresponding ek aaya tha, iske corresponding aise aise term kitne the, series 1 se leke k is equal to 1 se 100 likha tha, matlab 100 terms the, to ye kya ho jayega 100 times likha hai, to main isko kya likh sakta hu 100 times साइन ऑफ 101x, ये हो गया 2s, और मुझे s निकालना, तो s कितना हो गया 50 टाइम्स साइन ऑफ 101x, दैट्स इट, हैंस प्रूफ, तो देखो आ गया हमारा, यही तो प्रूफ करना था 50 टाइम्स साइन ऑफ 101x, क्लियर है, चलो तो क्या करो, वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, देखो मैंने एक और तरीका क्या बताया था तुमको, विदाउट राइटिंग s इन रिवर्स ऑर्डर व्हाट यू कैन ऑल्टरनेटिवली डू, यू कैन क्लब दीज टू टर्म्स, लास्ट की टर्म्स क्लब करो, इन दोनों को क्या लिखोगे, साइन ए प्लस सॉरी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ऑफ ए प्लस बी, तो इन दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग एक आएगा साइन ऑफ ए प्लस बी, विच विल बी 101x, सिमिलरली ये दोनों टर्म क्लब होंगी तब साइन 101x आएगा, तो टोटल सीरीज में टर्म कितनी है 100, दो को मिला के एक साइन 101x बन रहा है, तो 100 टर्म्स को मिला के कितने बनेंगे 50 बनेंगे, तो डायरेक्टली वहां से भी लिख सकते थे 50 टाइम्स साइन ऑफ 101x, क्लियर है, चलो अब हम एक नया टाइप का कंसेप्ट सीखते हैं, तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो, ठीक है, नया चीज क्या है इसमें ये देखते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली आता है ट्रिग्नोमेट्री में भी और आगे भी जाके कैलकुलस वगैरह में भी आता है, तो लिख लो रेंज ऑफ, लिख लो रेंज ऑफ, चलो मैं लिख ही देता हूं, रेंज ऑफ, रेंज ऑफ a साइन x प्लस b cos x, रेंज मतलब क्या होता है, इसकी वैल्यूज क्या क्या आ सकती है, व्हाट इज द, जैसे मैंने ऐसे लिखा फॉर एग्जांपल, मैंने लिखा 3 साइन x प्लस 4 cos x, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, एंड व्हाट ऑल वैल्यूज इट कैन अज्यूम, मतलब रेंज मतलब तो मैंने बताया था y की वैल्यूज का कंप्लीट सेट, मतलब इसकी क्या क्या वैल्यू ऑब्टेनेबल है, ठीक है ना, तो अभी हम प्रूफ करेंगे कि इसका आंसर आएगा -5 से 5, ठीक है, -5 इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस एंड +5 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, सो इट विल दिस, इसकी जो पूरी रेंज आएगी दैट विल बी फ्रॉम -5 to 5, ठीक है, चलो अब हम इसका पहले प्रूफ देखते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है, ध्यान से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं रब कर देता हूं, लिखेंगे अभी, डोंट वरी अबाउट दिस क्वेश्चन, लिखेंगे हम क्वेश्चन, तो कैसे किया इसको देखो ध्यान से, लेट से ये मेरा, मैंने इसको f ऑफ x मान लिया, ठीक है ना, लेट से दिस इज a sin x प्लस b cos x, ठीक है, अच्छा अब मैंने क्या किया, इसको इक्वेशन को अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड किया, अभी समझ में आएगा क्यों कर रहा हूं, मैंने बोला इस इक्वेशन को डिवाइड एंड मल्टीप्लाई विद अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये हो गया, बाहर तो मैंने ऐसे लिख दिया अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और नीचे जो ले गया उसको अलग अलग लिख दिया दोनों में, तो ये हो गया a अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन एक्स प्लस बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, यहां तक क्लियर है, कोई हमने ये जो एक्सप्रेशन लिखा है और ये लिखा है वो एक्जैक्टली सेम है, बस मैंने ऊपर नीचे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, अब देखो अगेन चमत्कार होगा, कैसा चमत्कार देखो, एक मिनट के लिए अगर मैंने इसको सुनना ध्यान से, अगर इसको मैंने एक मिनट के लिए मान लिया, लेट्स से दिस इज साइन अल्फा, मान लिया साइन अल्फा है, सो कैन यू कैन टेल व्हाट इज दिस बेसिकली, देन मैंने बोला लेट, लेट ये कांस्टेंट है ए टाइम्स, देखो इधर एक्स मेरा वेरिएबल है, ए और बी तो कांस्टेंट है ना, तो ये जो कांस्टेंट आएगा उसको मैंने साइन अल्फा मान लिया, कांस्टेंट एंगल होगा, तो मैंने बोला लेट साइन अल्फा इज इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब देखो
अगर तुमने इसको साइन अल्फा माना तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा हमारा कॉस अल्फा। वेरीफाई कर लो, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा वन होता है, वेरीफाई हो रहा है। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज वन। तो इसका मतलब अगर हमने इसको साइन अल्फा बोला तो ये पक्का कॉस अल्फा होगा। यहां तक क्लियर है? तो मैंने बोला साइन अल्फा इज दिस और कॉस अल्फा इज इक्वल टू बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मान लिया तो ये अपने आप हो गया, ऐसा नहीं किया मैंने, दो अज्यूम किया, लेट साइन अल्फा इज दिस, लेट कॉस अल्फा इज दिस, ऐसा नहीं किया मैंने, बोला लेट साइन अल्फा इज दिस, दिस इंप्लाइज कॉस अल्फा इज दिस। क्लियर है? तो अच्छा अब सुनना ध्यान से, अब देखो ध्यान से देखना, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मेरा क्या बन गया, रीड करो इसको, चलो मैं लिख लेता हूं। मैंने लिखा कर्ली ब्रैकेट में साइन अल्फा साइन एक्स प्लस कॉस अल्फा कॉस एक्स। अभी दो तरीके से बताऊंगा मैं इसको, ठीक है ना, अभी ध्यान देना। अब ये हमारा कौन सा फॉर्मूला बन गया, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, विच इज नथिंग बट कॉस ऑफ ए माइनस बी। ये हो गया अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इधर हो गया कॉस ऑफ ए माइनस बी। अब ए माइनस बी करो चाहे बी माइनस ए करो, वन एंड द सेम थिंग, बिकॉज कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो इधर मैंने एक्स माइनस अल्फा लिख दिया, चाहे अल्फा माइनस एक्स लिखो इधर, चाहे एक्स माइनस अल्फा लिखो, वन एंड द सेम थिंग। तो ये चीज मेरी आ गई, इसका रिजल्ट है, दिस इज वॉट माई एफ एक्स, जो हमारा शुरू का एक्सप्रेशन था वही लिखा है। अब ध्यान से देखो इसको, अगेन देखो इसको ध्यान से देखो, ये चीज पता है हमें, ये वाली जो चीज होती है कॉस ऑफ समथिंग, इसकी तो रेंज हमने देखा है ग्राफ, जिस दिन पढ़े थे उस दिन भी देखा, तो वैसे भी हमें पता है कि ये कहां से कहां वेरी करती है, माइनस वन से वन। इसकी जो कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो माइनस वन से वन आती है। अब मैंने बोला माइनस वन से वन को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो अल्टीमेटली एफ एक्स का रेंज क्या आ जाएगा, इसका रेंज क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से सुनो, माइनस वन को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, माइनस टाइम्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब ये वन होगा, ये तो कांस्टेंट है ना, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ओवरऑल मैक्सिमम कब होगा, व्हेन दिस इज वन, तो वन हो जाएगा, तो प्लस टाइम्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो दिस इज व्हाट द रेंज ऑफ दिस एक्सप्रेशन। क्लियर हुआ, समझ में आया? चलो अब मैंने बोला ये तो एक तरीका हो गया। अब कोई बोलेगा सर हम इसको कॉस अल्फा मान लें, इसको साइन अल्फा मान लें, तो भी चलेगा, बिल्कुल चलेगा। तो क्या करो, पहले वीडियो पॉज करो, इतना पार्ट कॉपी करो। अब मैं इसको कॉस अल्फा इसको साइन अल्फा मानूंगा तो भी तुम्हारा यही रेंज आएगी, ठीक है ना। ऑल द लुक वाइज एक्सप्रेशन डिफरेंट लगेगा बट होगा एक ही चीज, ठीक है। चलो तो मैं इसको रब कर रहा हूं, तुम लोग इसको पॉज करके कॉपी कर लो, मैं पूरा रब ही कर रहा हूं, जितना मुझे जरूरत है उतना ही रब कर रहा हूं अभी, जो चेंज करना है मुझे इसमें, ठीक है। तुम लोग ऐसे सेपरेट लिखना, ठीक है ना, यू जस्ट राइट इट एज सेपरेट। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको कॉस अल्फा मान रहा हूं, चलो बीटा मान लिया, ठीक है, कॉस बीटा मान लिया, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स साइन बीटा, देख लो साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा क्या होगा, वन आ रहा है, तो मतलब परफेक्ट है हमारा। तो अब मैंने बोला ये मेरा किसमें कन्वर्ट हो गया, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इधर क्या बचा मेरा, साइन एक्स कॉस बीटा प्लस कॉस एक्स साइन बीटा, दैट्स इट। और इधर लिख लो हमने क्या माना है, कॉमा करके कॉस बीटा इज इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर और ऐसे बोल दो साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे बोल दो, या फिर इन दोनों को डिवाइड करके भी बोल सकते हैं, इन दोनों को डिवाइड करके ऐसे बोल दो, और चलो उधर नहीं लिखा था इधर उधर भी लिख लेना, टेन बीटा इज इक्वल टू बी बाई वन एंड द सेम थिंग, तीनों में से कुछ भी लिखो, क्योंकि ट्राइंगल से एक चीज आ गई तो बाकी तो आ ही जाएगी, ठीक है। अच्छा तो अब अल्टीमेटली फिर मेरा ये किसमें कन्वर्ट हो गया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, विच इज नथिंग बट साइन ऑफ ए प्लस बी। तो इधर मेरा क्या आ जाएगा, मैं इसी को लिख रहा हूं, दिस इज फर्दर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ऑफ एक्स प्लस बीटा। क्लियर है यहां तक? अब एक्सप्लेनेशन कैसे देंगे रेंज का, अगेन सेम चीज, जैसे कॉस थीटा मेरा माइनस वन से वन लाई करता है तो हमारा साइन थीटा भी तो वहीं से वहीं करता है। मैंने बोला ये साइन थीटा जो है वो माइनस वन से वन करता है, तो ओवरऑल ये कहां से कहां वेरी करेगा, वही माइनस टाइम्स, जब इसकी मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब साइन थीटा मिनिमम होगा, बिकॉज दिस इज अ कांस्टेंट। मैंने बोला एक्स वेरी करेंगे तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, माइनस वन, जब माइनस वन इससे मल्टीप्लाई होगा तो ओवरऑल इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी, दैट इज माइनस टाइम्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जब ये मैक्सिमम होगा प्लस वन तो इसका रेंज आ जाएगा ये। तो क्लियर है यहां तक? तो अब इस टाइप का एक्सप्रेशन जब भी मिलेगा
तो हम बोलेंगे कि इसका रेंज क्या है, ये मतलब इसकी वैल्यू कहां से कहां आ सकती है, जैसे माइनस टाइम्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके इसके बीच में, इसके बाहर नहीं जाएगी, इसके बाहर नहीं जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा, चलो तुम लोग पहले एक काम करो, पॉज करके इसको लिख लो, ठीक है, अब मैं समझा रहा हूं और सुनना। अब मैंने क्या बोला बेसिकली, देखो जैसे तुम्हें बोला किसी ने, कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्टली भी कर सकते हो, कैसे, जैसे मैंने बोला साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 3/2, सॉल्व दिस, सॉल्व दिस, मान लो मैंने तुम्हें ऐसे दिया, सॉल्व दिस, क्या करें, क्या करें, व्हाट इज द आंसर फॉर दिस, जस्ट थिंक इट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, जस्ट थिंक इट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू। ये जो मैंने लिखा एक्सप्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो इसकी ए की वैल्यू क्या है, 1, बी इज 1, इफ आई कंपेयर विद दिस, तो इसकी जो रेंज है ये, इसकी जो रेंज है मतलब कहां से कहां आ सकती है, कहां से कहां आ सकती है, माइनस अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर से लेके प्लस अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये क्या हो गया, माइनस रूट टू से रूट टू, इसके बाहर नहीं जाएगा, मतलब मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी होती है, रूट टू, मिनिमम वैल्यू इज माइनस रूट टू, बट इसने तो बोला ये तो क्या है, रूट टू तो हमारा 1.414 होता है और ये क्या लिखा है, 1.5 लिखा है, तो ये कभी बराबर हो सकते हैं किसी एक्स के लिए, नहीं, तो इधर डायरेक्टली हम लिखेंगे नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन मतलब ऐसा कोई भी एक्स नहीं है जिसको सेटिस्फाई करे। आई होप क्लियर हुआ होगा, समझ में आया कैसे किया मैंने, विदाउट मतलब इसको सॉल्व किए हुए हमने डायरेक्टली बोल दिया, बिकॉज अभी तो तुम्हें लग रहा है ये ऐसे इतना कैलकुलेट किया, बट ये तो माइंड में ही कैलकुलेशन हो जाएगा ना, जैसे इधर 1 और 1 लिखा है तो ये तो माइंड में ही कर लेंगे भाई इसकी रेंज जो होगी दैट विल बी फ्रॉम माइनस रूट टू से रूट टू, और वो रेंज होगी मतलब उतना ही ऑब्टेन हो पाएगा वहां, बट इसने तो बोला ये 1.5 कब होगा, किस एक्स के लिए होगा, हम क्या बोलेंगे, किसी एक्स के लिए नहीं होगा, दैट इज नो सॉल्यूशन, एक्स की कोई ऐसी वैल्यू आएगी नहीं जिसके लिए दिस इज 1.5। क्लियर हुआ, चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो, अब हम कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, तो मैं इसको रब कर देता हूं, आई विल रब दिस पार्ट, याद रखना माइनस टाइम्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस टाइम्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो तो क्वेश्चन जैसे अभी पहले सिंपल कैटेगरी क्वेश्चन लेते हैं, फिर एक दो मैं अच्छे क्वेश्चन लूंगा जिससे प्रैक्टिस हो जाए, जिससे हमें याद हो जाए आज जो पढ़ाया अभी। मैंने लगा फाइंड वही रेंज निकालना है और हमें एक्सप्रेशन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू 3 cos x - 4 sin x। चलो निकालो, निकालो इसका, तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या लिखे डायरेक्टली, माइनस टाइम्स अंडर रूट ऑफ एयर इज 3 तो 3 square प्लस बी इज -4 तो -4 का स्क्वायर से लेके प्लस अंडर रूट ऑफ 3 square प्लस -4 का स्क्वायर, ये होता रेंज, माइनस टाइम्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस टाइम्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ दिस इज नथिंग बट पाइथागोरस ट्रिपलेट्स 3 or 4, तो 3 square प्लस 4 स्क्वायर क्या होता है 5 square, उसका अंडर रूट इज 5, तो ये हो गया हमारा -5 और ये हो गया +5, इसका मतलब इसकी जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज -5, इसकी मैक्सिमम वैल्यू इज +5, इसके बाहर नहीं जाएगा ये, इसकी वैल्यू इसके बाहर नहीं जाएगी, दिस इज रेंज ऑफ दिस एक्सप्रेशन, क्लियर है। चलो और देख लेते हैं, मैंने बोला लेट्स से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, और मैं ले लेता हूं, चलो ठीक है, 13 - 13 sin x प्लस एक नंबर, इसको 12 कर लो, 12 और इसको 5 cos x, चलो इसको करो, मैं मन से ऐसे डिजिट दे रहा हूं जिससे वो रूट वूट हट जाए, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स बने एक्चुअली, तो 12 और 5 पाइथागोरस ट्रिपलेट्स है, कैसे है, 12 स्क्वायर क्या होता है 144 और 25, तो 5 का स्क्वायर इज 25 तो कितना होता है 169 और इसका अंडर रूट क्या होता है 30, क्लियर है। तो अब मैं क्या बोलूंगा, इसका रेंज क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, माइनस टाइम्स अंडर रूट ऑफ -12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर व्हिच इज 25 और 144 प्लस 25 क्या हुआ 169, उसका अंडर रूट क्या हो गया 13, तो डायरेक्टली लिख लू मैं -13 से, बस इधर क्या होता है प्लस आ जाता है, सॉरी रूट नहीं, सिंपल 13, ठीक है ना, ऐसे ही पूछ सकता है, इंस्टेड ऑफ रेंज वो ऐसे बोल देगा व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ये इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो हम मिनिमम वैल्यू बोलेंगे -13, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी +13, एंड सो ऑन। आई होप क्लियर हुआ होगा,
ठीक है। अब थोड़ा सा एक स्मार्ट क्वेश्चन देता हूं, हल्का सा स्मार्ट, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा स्मार्ट क्वेश्चन है, देखना इसी कंसेप्ट के ऊपर, देखना तुम, देखते तुम में से कौन कौन किसको सॉल्व कर पाता है। ठीक है, तो मैंने लिखा, चलो मैंने लिखा टू साइन ऑफ एक्स प्लस 30 डिग्री माइनस 4 कॉस एक्स। चलो इसकी रेंज निकालो, बहुत ही आसान है, ट्रिकी है थोड़ा सा, बट जैसे मैं बता रहा हूं बहुत से बच्चे लोग इसको ऐसे करेंगे अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस वही माइनस 4 का स्क्वायर, बट दैट विल बी रॉन्ग। द रीजन इज जो मैंने बोला था तुमको एक्सप्रेशन ओरिजिनली, वो क्या दिया था, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ये दिया था। तो याद रखो इसमें कि साइन और कॉस का जो आर्ग्यूमेंट है ना, जो अंदर एंगल दिया है वो सेम था ना, इधर एक्स है तो इधर भी एक्स था, ये रिक्वायरमेंट है। मतलब हम इसकी जो रेंज बोली थी मैंने माइनस टाइम्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस टाइम्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो जब ही है व्हेन द आर्ग्यूमेंट इज सेम, या फिर उधर नोट करके लिख लो तुम लोग, क्या आर्ग्यूमेंट मस्ट बी सेम अगर मुझे रेंज वो बोलना है। तो अभी आर्ग्यूमेंट दिख रहा है क्या सेम, नहीं, इधर तो x है, इधर x प्लस 30 डिग्री है, एंगल बराबर नहीं ना। आर्ग्यूमेंट से मेरा मतलब क्या है, एंगल्स, जो साइन के अंदर जो लिखा है एंगल वो और कॉस के अंदर बराबर होना चाहिए, उसके बाद मैं इसकी रेंज लिखूंगा। तो क्या करें, पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं उसमें, मतलब साइन और कॉस का आर्ग्यूमेंट सेम हो जाए, उसके बाद हम वाला फॉर्मूला लगाएंगे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला। तो उसको करने के लिए क्या किया, इधर ओपन कर दिया, साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया। अब साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो मैंने लिखा टू टाइम्स, चलो इसको ब्रैकेट में लिख लेते, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, क्लियर है, हाँ चलो सही है, माइनस फोर कॉस एक्स, यहां तक क्लियर है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, बिकॉज मुझे साइन और कॉस का आर्ग्यूमेंट सेम चाहिए, अभी सेम नहीं था मुझे सेम चाहिए, इसलिए फिर मैंने इसको ओपन किया। अब चलो देखते हैं, मैंने बोला चलो इसको कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, यही लिख देते हैं, ठीक है ना, कॉस 30 इज रूट 3 बाई 2, ये रूट 3 बाई 2 है, और साइन 30 इज हाफ 1 बाई 2, ठीक है ना, साइन 60 रूट 3 बाई 2 होता है, तो ये हो गया 2 टाइम्स। अब देखो ये 2, ये डिनोमिनेटर वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो गया, दिख रहा है क्लियरली। चलो अब मैंने बोला ये क्या हो गया, साइन एक्स, नहीं साइन एक्स नहीं, ये रूट 3 साइन एक्स, सॉरी रूट 3 साइन एक्स, और इधर हो गया कॉस एक्स बचा इधर, प्लस कॉस एक्स माइनस 4 कॉस एक्स, फाइनली व्हाट वी गॉट, रूट 3 साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। क्या अब आर्ग्यूमेंट सेम बन गए, हाँ अब आर्ग्यूमेंट सेम बन गए, अब जो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, अब मैं इसका डायरेक्टली रेंज लिख पाऊंगा। तो अब मैं क्या लिखता हूं रेंज इसका डायरेक्टली, दिस इज माइनस टाइम्स अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो रूट 3 का स्क्वायर इज 3, 3 का स्क्वायर इज 9, 9 प्लस 3 इज 12, तो मैं इतना बड़ा नहीं लिखता हूं, दिस इज 12 से लेके प्लस टाइम्स अंडर रूट 12, सो दिस इज व्हाट रेंज ऑफ दिस एक्सप्रेशन, या फिर ऐसे बोलो कि इसकी इस वाले एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू इज माइनस रूट 12 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज प्लस रूट 12। इसको ऐसे ऐसे भी लिख सकते हो, 2 रूट 3, 4 3 से 12 होता है ना, तो इसको ऐसे लिख लो, दिस इज इक्विवेलेंट टू 2 माइनस 2 रूट 3 से प्लस 2 रूट 3, वन एंड द सेम थिंग, क्लियर हुआ। तो इसलिए तुरंत बहुत से लोग क्या करते हैं इसमें, जनरली बच्चे लोग, जब मैं सबसे शुरू में क्वेश्चन देता हूं ना, अभी तो देखो पता नहीं चलता बिकॉज अभी हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, जब सामने बैठे रहते हैं बच्चे तब मुझे पता होता है मैक्सिमम बच्चे कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो व्हाट दे यूज टू डू, ये बोलते हैं ऐसे करते हैं, 2 स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर से लेके प्लस टाइम्स अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, विच इज रॉन्ग, ये भी लिख लेना उधर साइड में, ऐसे लिख लो रॉन्ग कर दो इसको। क्यों ऐसा रॉन्ग क्यों, बिकॉज जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, उसमें साइन और कॉस का आर्ग्यूमेंट सेम था, बट इधर नहीं है ना, इधर इधर इसका आर्ग्यूमेंट अभी इधर एक्स प्लस 30 इधर एक्स है, तो वी कैन नॉट अप्लाई डायरेक्टली दैट फॉर्मूला, आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो अब एक और क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है, इसके ऊपर फिर एक नया टॉपिक देखेंगे आज। प्रैक्टिस करते रहना, मैंने शीट भी दे दिया है तुमको, ठीक है ना, जो भी हमारा डाउट सेशन है आज का उसमें हम वो डिस्कस करने वाले हैं, और प्रीवियस भी हमारा डाउट कुछ पेंडिंग्स है, ठीक है ना, उसको भी आज हम कवर कर लेंगे डाउट सेशन में, ठीक है। चलो तो इसी को रेंज का क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, व्हाट इज द रेंज ऑफ, अब देखो तुम लोग को निकालना है पहले, ठीक है, पहले यू हैव टू पॉज द वीडियो, क्वेश्चन देख लो पहले, उसके बाद तुम निकालो, फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा। कॉस एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस 4 का स्क्वायर, थोड़ा सा अलग है, मतलब हमें अल्टीमेटली उस चीज का फैक्ट का यूज करना है कि ए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स
वो कहीं चमक जाए, वो कहीं आ जाए, ठीक है ना। तो क्या करें हम, व्हाट वी कैन डू। तो देखो कैसे किया, तुम लोग पॉज करके एक बार ट्राई करो, ठीक है। चलो तो मैंने कहा थोड़ा पहले से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सबसे पहली बात तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो क्या किया इसको, वन अपॉन ओपन किया इसको, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस सिक्स कॉस एक्स प्लस नाइन प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस एट साइन एक्स प्लस अपना बचाइए 16। क्लियर है यहां तक, सिंपल फॉर्मूला लगाया, ए माइनस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। क्लियर है। अच्छा अब देखो साइन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स दैट इज वन, तो इसको हटा के मैं इधर प्लस वन लिख दूं, तुम लोग अगले स्टेप में लिखना, ठीक है ना। अच्छा नाइन प्लस वन टेन, टेन प्लस सिक्सटीन ट्वेंटी सिक्स, तो मैं 26 लिख रहा हूं। क्लियर है। तो फाइनली मेरा ये एक्सप्रेशन किसमें रिड्यूस हो गया, वन अपॉन एक काम करो, ठीक है चलो 26 प्लस एट साइन एक्स माइनस सिक्स कॉस एक्स। क्लियर है, ये मेरा रिड्यूस हो गया, वो जो बल्कि से एक्सप्रेशन दे रखा था थोड़ा सा बस मैंने ओपन किया और आइडेंटिटी यूज की साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन, तो वो इसमें कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब मैंने बोला इसकी रेंज निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं, अब हमें इसमें दिख रहा है ये वाला पार्ट हमें पता है, इसकी रेंज पता है, और यही तो वेरिएबल पार्ट है, बाकी तो कॉन्स्टेंट है 1/26। तो मैंने बोला देखो अब सुनना, मैंने बोला इस ये ओवरऑल मैक्सिमम कब होगा, अच्छा ऐसे बोला चलो, मैंने बोला इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इस पहले हम मिनिमम वैल्यू देख रहे हैं, मैंने बोला इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी जब डिनोमिनेटर मैक्सिमम हो, क्योंकि किसी भी एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू कब होती है, जब डिनोमिनेटर मैक्सिमम हो। तो मैंने बोला इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ये हो गया 8 प्लस अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो 64 प्लस 36 100 का अंडर रूट 10। तो मैंने बोला ये जो वैल्यू है ना, चलो मैं ऐसे लिख रहा हूं, दिस गोज फ्रॉम माइनस 10 टू 10 यूजिंग द सेम कंसेप्ट, अंडर माइनस टाइम्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस टाइम्स अंडर, तो मैंने बोला ये माइनस 10 से 10 जा रहा है, तो अब ओवरऑल कैसे जाएगा, देखो ओवरऑल एफएक्स की रेंज लिख रहा हूं मैं एक ही स्टेप में। मैंने बोला ये पूरा मैक्सिमम कब होगा, जब डिनोमिनेटर मिनिमम, सॉरी मिनिमम कब होगा ये पूरा, जब डिनोमिनेटर मैक्सिमम हो, डिनोमिनेटर मैक्सिमम कब होगा, जब इस ये मैक्सिमम हो, और ये मैक्सिमम क्या है 10, तो 26 प्लस 10 कितना हुआ 36, तो आंसर क्या आ गया 1/36। दिस इज व्हाट मिनिमम वैल्यू ऑफ एफएक्स, दोबारा एक बार मिनिमम वैल्यू ऑफ एफएक्स कैसे आया, जब डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा, डिनोमिनेटर मैक्सिमम कब होगा, ये तो कांस्टेंट है, इसका मतलब ये मैक्सिमम होगा, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं उसी से, क्या है प्लस 10, तो 10 प्लस 26 तो 36 आ गया कॉमा। अब मैंने बोला इसकी मिनिमम वैल्यू कब आएगी, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी पूरे की, जब न्यूमरेटर मिनिमम हो, और न्यूमरेटर मिनिमम कब आएगा, व्हेन दिस इज माइनस 10, तो 26 माइनस 10 इज 16, तो ये हो गया 1/16। सो दिस इज व्हाट रेंज ऑफ दिस एक्सप्रेशन। एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, बेस उसमें क्या हो गया, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री भी यूज हो गया, और थोड़ा हमारा ये वाला फंडा भी यूज हो गया, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स वाला। क्लियर है, याद रखना इसमें नोट करके लिख लेना, ठीक है ना, कि जो हम लगाते हैं ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, उसमें साइन और कॉस का जो आर्ग्यूमेंट है ना, दैट हैज टू बी सेम, देन ओनली वी कैन डायरेक्टली टेल, अदरवाइज फिर उसको नहीं दिया तो फिर हम उसमें कन्वर्ट करेंगे, जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया। क्लियर है। चलो अब हम देखते हैं नया टॉपिक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब मोस्ट ऑफ द बच्चों को उसके फॉर्मूले पता हो गए जिन्होंने फाउंडेशन अच्छे से किया है, और नहीं पता है तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, आज तो हम पढ़ ही रहे हैं अभी, ठीक है। कौन से फॉर्मूले हम ट्राई करने वाले हैं अभी, कौन सा टॉपिक, साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, ये चार फॉर्मूले, ठीक है ना। तो इसको मैं लिखूंगा कैसे लैंग्वेज फॉर्म में, सम और डिफरेंस ऑफ, चलो लिख लो टॉपिक का नाम, सम और डिफरेंस, सम और डिफरेंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ टू एंगल्स। कोई बोले वैसे पहले तो हमने इस टाइप पे तो किया था, पहले क्या था वो, देखो पहले वाला क्या था, ऐसा था पहला वाला टॉपिक, इससे जो हमने जिसमें हमने वो वाले फॉर्मूले किए थे, साइन ऑफ ए प्लस बी कॉस ऑफ ए प्लस बी, या साइन ऑफ ए माइनस बी कॉस ऑफ, उसमें क्या था, देखो एक बार लैंग्वेज फॉर्म में दोबारा लिखता हूं, तो कंफ्यूज हो जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। देखो दोनों में अंतर क्या है,
देखो इधर तो क्या बोल रहा है, इसने पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाया, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो लेट्स से मैं इसकी जगह साइन ले रहा हूं, तो साइन ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ टू एंगल, किसका साइन, दो एंगल के सम और डिफरेंस का, तो लेट्स से सम की बात कर रहे हैं, तो ये हो गया ए प्लस बी, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम ऑफ टू एंगल्स, तो वो तो इसके अंदर आया था। इसने क्या बोला, सम और डिफरेंस ऑफ, किसका सम और डिफरेंस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ टू एंगल्स, तो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ टू एंगल लिख लिया मैंने का साइन ए और एक लिख लिया साइन बी, ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का दो एंगल्स के उनका डिफरेंस या सम, तो लेट्स से प्लस माइनस। तो अब इधर इस टाइप के फॉर्मूले हम ट्राई करने वाले हैं, क्लियर हुआ, नहीं तो मैं लिखाता हूं ना ये टॉपिक बच्चे को, तो बोलते सर ये तो हमने पहले कर लिया है, वो अलग था, वो था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ टू एंगल, दिस इज सम और डिफरेंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ टू एंगल्स, क्लियर है। चलो अब मैं इसको मिटा देता हूं, जो जरूरत है वो रखते हैं, तो स्टार्ट करते हैं पहले फॉर्मूले से और इसके डेरिवेशन भी देखने वाले हैं हम सारे। तो देखो सबसे पहला फॉर्मूला जो एकदम अभी बाय हार्ट करना है आपको, ये चारों फॉर्मूले, पहले मैं फॉर्मूले लिख रहा हूं, साइन सी प्लस साइन डी, ठीक है, साइन सी प्लस साइन डी, दिस इज बेसिकली टू साइन सी प्लस डी बाय टू कॉस सी माइनस डी बाय टू, दिस इज द फॉर्मूला फॉर दिस। आया कैसे, अगर तुम सोच सकते हो वीडियो पॉज करके तो यू कैन ट्राई ऑन योर ओन, एक बार सोचो, ऐसे सोचो कि इधर से इधर चले जाएं, ऐसे भी जा सकते हो, कहने का मतलब हमने इस टाइप का तो पढ़ा है ना, साइन सी प्लस जी का, ठीक है ना, कॉस सी माइनस जी का, इस टाइप का तो पढ़ा है, ऐसे सोचो नहीं तो, ठीक है। अब मैं इसका प्रूफ दे रहा हूं, ठीक है ना, एक बार तुम लोग भी सोच, पॉज करके सोचो, ठीक है ना, डेफिनेटली खुद से सोचोगे तो तुम्हारा ज्यादा माइंड डेवलप होगा, ठीक है ना। अब इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं, मतलब प्रूफ देखते हैं, सॉल्यूशन मतलब प्रूफ, क्या किया हमने, वाला फॉर्मूला लिखा, देखो साइन ऑफ ए प्लस बी का, इट इज व्हाट, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, क्लियर है, यहां तक क्लियर है। फिर मैंने बोला साइन ऑफ ए माइनस बी लिखा, ये हो गया, यही होता है, बस बीच में माइनस आ जाता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, क्लियर है। अब हमने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया, विल ऐड दीज टू, तो व्हेन यू विल ऐड, ऑब्जर्व, ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, टू साइन ए कॉस बी, क्लियर है। और जहां मेरा क्या आ जाएगा, सम ऑफ टू एंगल्स, साइन ऑफ टू एंगल्स, तो इस टाइप की फील आनी चाहिए तुम्हें, कि अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो इधर क्या आया, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। चलो इतना करने के बाद अब तुम ट्राई करो, मान लो मैंने इतना लिख दिया, मैंने बोला एक ही स्टेप बाकी है, क्या स्टेप हो सकता है, ऑफकोर्स अगर मैं देखूं, मैं ध्यान से देखूं, तो मुझे ए प्लस बी की जगह क्या चाहिए, सी चाहिए, तो मैंने मान लिया लेट ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, देख के, और ये ए माइनस बी है, इसकी जगह मुझे डी चाहिए, तो मेरा एल एच एस तो आ जाएगा ना, फिर अपने आप अगर करेक्ट लिखा होगा, हमने करेक्ट किया होगा, तो अपने आप आर एच एस आ जाएगा, तो मैंने बोला ए माइनस बी को मैंने मान लिया डी। ऐसा क्यों मान रहा हूं, अगेन कीपिंग दिस इन माइंड, कि ये चीज मुझे इसके बराबर देखनी है। तो अब देखो, अब मैंने क्या किया, इन दोनों को ऐड किया, तो ए और बी आ जाएंगे मेरे सी और डी के टर्म्स में, एक बार ऐड किया और एक बार सबट्रैक्ट किया, तो व्हेन यू ऐड दीज टू, व्हाट यू विल गेट, ए इज इक्वल टू 2a आएगा c प्लस डी, तो a कितना हो गया c प्लस डी बाई टू, अब आ गया होगा देखो 2 साइन c प्लस डी बाई टू, इधर ये रख देंगे हम, और डिफरेंस करोगे तो क्या आएगा, b कितना आएगा c माइनस डी बाई टू, b कितना आया, दोनों को डिफरेंस करोगे तो 2b आएगा इज इक्वल टू c माइनस डी, तो b विल बी c माइनस डी बाई टू। अब मैंने इनको इधर रख दिया, तो फाइनली क्या मिला 2 साइन a, और a मेरा क्या हो गया c प्लस डी बाई टू कॉस b, दैट इज c माइनस डी बाई टू, that's it, hence proved, कितना आसान है, but proof करना ठीक है, important है अपने आप में, लेकिन उससे ज़्यादा important है इसको memorize करना, क्योंकि definitely exam में हम हर बार proof नहीं करेंगे, because एक ही question में ये वाला हमारा मान लो 10 बार use हो रहा है, इसी के different formula है, जैसे sin c plus sin d, cos c plus cos d वगैरह चारों, तो ऐसे थोड़ी हम चारों उधर drive करेंगे, फिर तो हो गया हमारा paper complete। तो इसलिए मैंने बोला फॉर्मूला याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री में, डोंट थिंक कि हम एग्जाम में ड्राइव कर लेंगे, नहीं कभी नहीं, ठीक है, क्लियर हुआ ये। एक बार और रिकॉल कर लेते क्या क्या किया, साइन ऑफ ए प्लस बी लगाया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ऑफ ए माइनस बी लगाया, दोनों को ऐड किया, फिर हमने देखा कि भाई इधर ऐसा चीज बन रहा है, तो हमने कहा अगर ए प्लस बी को मैं सी मान लू अकॉर्डिंग टू, जो मुझे प्रूफ करना उसके अकॉर्डिंगली, तो ए माइनस बी को मैं डी मान लू, तो उससे मेरा ए और बी आ जाएगा सी और डी के टर्म्स में, उसको मैं इधर रख दूंगा, तो मेरा आ गया आंसर, क्लियर है यहां तक क्लियर है। चलो अब मैंने बोला
साइन सी माइनस साइन डी करो, साइन सी माइनस साइन डी करो प्रूफ। चलो ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला लिख लेते हैं, इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है, डेरिवेशन को हटा रहा हूं, वो फॉर्मूला ऊपर लिखे रहने देता हूं। मैंने बोला साइन सी माइनस साइन डी लगाओ, चलो इतना पार्ट हटा दिया, मैंने बोला साइन सी माइनस साइन डी लगाओ। अब मैं नेक्स्ट फॉर्मूला जो लिखने वाला हूं दैट इज इधर लिख देता हूं, चलो नहीं तो साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू, ये होता है वैसे क्या है वो लिख लेते हैं, टू साइन सी माइनस डी बाय टू कॉस सी प्लस डी बाय टू। अब प्रूफ करो इसको, अब तुम करो तो क्या होगा तुम्हारा, फिर प्रूफ पक्का हो जाएगा, वैसे ही कर लो। अब डेफिनेटली क्या करें, देखो इधर तो मुझे प्लस चाहिए था तो मैंने इन दोनों को ऐड किया, ऑफ कोर्स अब क्या करूं मैं, दोनों को डिफरेंस करूं, दोनों का डिफरेंस करूं, इतना ही अंतर है बस। क्या बोला मैंने, जस्ट सब्ट्रैक्ट दीज टू इक्वेशंस, तो हियर यू विल गेट साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी इक्वल्स टू, जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ दिस टर्म। फिर अगेन ए और बी को तुम क्या लिखोगे, सी और डी के टर्म्स में लिख दोगे। हम क्या करेंगे, ए प्लस बी को सी मानेंगे, सेम ए माइनस बी को डी मानेंगे, तो ए क्या आ जाएगा सी प्लस डी बाई टू, तो इधर क्या आ जाएगा टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, तो टू कॉस सी प्लस डी बाई टू। साइन बी की जगह क्या जाएगा, बी हमारा क्या आएगा इन टर्म्स ऑफ सी एंड डी, सी माइनस डी बाई टू, तो टू साइन सी माइनस डी बाई टू। हो गया एग्जैक्ट प्रूफ, समझ में आया, क्लियर है। चलो अब मैंने बोला ये तो मैंने एक्चुअल मेथड से किया, बट अगर ध्यान से देखो जो हमने उधर फॉर्मूले किए थे, जैसे मैंने बोला साइन ऑफ ए प्लस बी का एक बार हमने प्रॉपर वे से किया था, उसके बाद साइन ऑफ ए माइनस बी निकालने के लिए मैंने क्या किया था, बोला कि दैट इज एन आइडेंटिटी, उधर बी की जगह एंगल माइनस बी रख दो, तो वो चीज हम इधर क्यों नहीं कर सकते, इधर भी कर सकते हैं। मैंने बोला पहले तुम क्या करो, इसको मेथड, इसको पहले मेथड से करो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, देन ये आ जाएगा। अब मैं ऑल्टरनेटिव वे बता रहा हूं, दैट इज ऑफ कोर्स बेटर देन द जो भी हमने किया, द रीजन इज अब हमें कुछ मेहनत करनी नहीं है। मैंने बोला ये तो हर एक सीओडी के लिए ट्रू है, इसी इक्वेशन में डी की जगह माइनस डी रख दिया, क्या लिखा डी की जगह माइनस डी, डी की जगह माइनस डी, तो इधर क्या आ जाएगा साइन सी माइनस साइन डी, तो साइन सी माइनस साइन डी, देखो इधर ही प्रूफ हो जाएगा, इज इक्वल टू टू साइन डी की जगह माइनस डी, तो सी माइनस डी बाई टू, टू साइन सी माइनस डी बाई टू, डी की जगह तो माइनस डी रखूंगा तो क्या जाएगा सी प्लस डी बाई टू कॉस सी प्लस सी बाई टू, तो एक ही लाइन में प्रूफ हो गया, मतलब प्रूफ क्या वही का वही हो गया, कुछ लिखना ही नहीं पड़ा हमें, क्लियर है। तो इससे भी लिख लो ये तुम, तुम्हारे दो फॉर्मूले तैयार हो गए अभी तक, ठीक है ना, दो फॉर्मूले कौन कौन से हो गए, साइन सी प्लस साइन डी और साइन सी माइनस साइन डी, ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं। चलो अब आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पे। अच्छा नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो भी बेसिकली इधर से ही ड्राइव हो जाएगा, हालांकि वो भी यहां से ही ड्राइव हो जाएगा, कैसे वो देखते हैं। देखो पहले तो मैं इसको ओरिजिनल मेथड, हम जो एक्चुअल मेथड कैसे करेंगे, मैंने बोला अब हमें ये वाला लिखना है cos c plus cos d, let's say, so this is 2 cos, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं c plus d by 2, फिर प्रूफ करेंगे cos c minus d by 2, तो इसका करने के लिए डेफिनेटली अब क्या फील आ रहा है, इधर जब sin c plus sin d था तो हमने क्या assume किया था, हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया था, sin of a plus b वाला और sin of a minus b वाला, इधर डेफिनेटली क्या करें cos वाले करें, तभी तो cos of cos आएगा, तो मैंने बोला cos of a plus b is what cos a cos b माइनस, याद रखना माइनस साइन ए साइन बी, फिर मैंने लिखा कॉस ऑफ ए माइनस बी, दिस विल बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। मैं जहां स्ट्रेस दे रहा हूं मतलब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है ये, कोई माइनस का प्लस रहता है, ठीक है ना, वैसे अभी तक तो याद हो गया होगा, काफी क्लासेस हो गई हमारी। अब मैं क्या करूं दोनों को एड कर देता हूं, तो देखो व्हेन यू विल एड दिस टू दिस विल गेट सब्ट्रैक्टेड, तो इधर क्या आ जाएगा कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, और इधर क्या आ जाएगा ट्वाइस ऑफ दिस बिकॉज सेम चीज लिखी इधर, तो ट्वाइस ऑफ कॉस ए कॉस बी। अब क्या करें सेम जैसे पहले किया था, इधर मुझे कॉस सी चाहिए, इधर कॉस ऑफ ए प्लस बी लिखा है, तो मैंने क्या बोला ए प्लस बी को तुम सी मान लो और ए माइनस बी को डी मान लो, तो इधर से क्या आ जाएगा तुम्हारा कॉस सी प्लस कॉस डी आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, इधर क्या आ जाएगा टू कॉस ए और ए की जगह क्या लिखोगे तुम सी प्लस डी बाई टू, तो इधर आ जाएगा हमारा cos c plus d by 2, फिर इधर आ जाएगा cos b की जगह क्या आ जाएगा cos of b, और b क्या है हमारा c minus d by 2, तो cos c minus d by 2। क्लियर हुआ बच्चों, समझ में आया ना, तो ये हमें फॉर्मूला याद रखना है। अब लास्ट फॉर्मूला क्या बचता है हमारा cos c minus cos d, cos c minus cos d, चलो उसको इधर ही देख लेते हैं, ठीक है ना, फिर एक बार हम सारे फॉर्मूले तुम लोग पॉज करके एक बार कॉपी कर लो, नहीं तो ठीक है मैं इतना पार्ट रब कर रहा हूं।
फिर चारों फॉर्मूला एक बार मैं लिखूंगा, चलो चारों फॉर्मूला हम एक बार रिवाइज करेंगे, ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चंस, क्योंकि याद करना बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है फॉर्मूले। अच्छा, अब मैंने बोला अब मुझे चाहिए cos c माइनस cos d, तो क्या करें, इन दोनों को सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ना, अभी वाला जो, वो इंपॉर्टेंट ज्यादा है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ना पैटर्न अलग है, पैटर्न अलग से मेरा मतलब है, बताऊंगा मैं, देखना। मैंने क्या किया, cos ऑफ a प्लस b माइनस cos ऑफ a माइनस b। चलो पहले मैं इधर फॉर्मूला लिख देता हूं, वाला cos c माइनस cos d, इसमें क्या होगा, दो तरीके से लिख सकता हूं, माइनस टू साइन c प्लस d बाई टू साइन c माइनस d बाई टू, या फिर और करके तुम लोगों को भी लिखना है। इस माइनस को मैंने इस साइन के अंदर लेके गया, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, टू साइन c प्लस d बाई टू साइन d माइनस c बाई टू। अब समझ में आ गया होगा क्यों मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं। अभी तक जो भी हमने डिफरेंस वाला देखा है, डिफरेंस का जो एंगल होता था, जितने ही फॉर्मूले थे उसमें c माइनस d होता था, बट इस ये एक एक्सेप्शन है, d माइनस c है। वो आया कैसे, वो अभी डेरिवेशन से समझ में आ जाएगा, क्योंकि जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, अभी देखो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला पार्ट कैंसिल होगा, इधर माइनस ऑफ दिस माइनस ऑफ दिस, तो क्या आएगा, माइनस टू टाइम्स साइन ए साइन बी। अब क्लियर हो गया होगा, अब देखो माइनस आ गया ना एक्स्ट्रा, और ए की जगह तो वही होगा, इसको सी मानेंगे, इसको डी मानेंगे, तो सी प्लस डी बाई टू, बी की जगह सी माइनस डी बाई टू, तो देखा माइनस क्यों एक्स्ट्रा आया, बिकॉज ऑफ दिस माइनस। साइन वाले में ऐसा दिक्कत नहीं हुई थी, जब वो साइन वाले के थे उधर तो क्या होता था, इधर प्लस होता था इधर माइनस होता था, तो हम जब सब्ट्रैक्ट करते थे तो क्या आता था, टू साइन ए कॉस भी आता था, प्लस का ही आता था, बट इधर क्या हुआ, माइनस का आ गया, बिकॉज इधर उल्टा हो गया हमारा। क्लियर हुआ, चलो तो वीडियो पॉज करो, एक बार रिकॉल करो सारे चारों फॉर्मूले क्या क्या पढ़े हमने, ठीक है ना, एक बार रिकॉल करो, और मैं एक बार फिर भी बोर्ड पे एक बार लिख देता हूँ चारों फॉर्मूले, सो दैट, और तुम लोगों को भी, जो अभी हमने ड्राइव किए वो तो ठीक है, अलग अलग तुम्हारे अलग अलग पेज पे होंगे, अलग अलग पेज से मतलब दूर दूर होंगे, अब हम इसको पास लिख लो, तुम लोग भी चारों फॉर्मूलों को एक साथ, चारों फॉर्मूलों को एक साथ लिख लो, क्या देखो साइन सी ऐसे लिखना है तुम लोगों को, साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, ठीक है, ये हमारा पैरा फॉर्मूला ड्राइव किया था हमने, और दिमाग में खुद से मतलब क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे उसको, खुद से मतलब लॉजिक बनाओ कि कैसे याद रखना है, दैट इज योर वे, मतलब कैसे तुम लोग को याद रखना है, जस्ट मेक अ पैटर्न ऑफ इट, ठीक है ना, मतलब खुद से तरीका ढूंढो कि हाँ भाई दोनों साइन है तो एक साइन एक कॉस होता है, इस टाइप से पैटर्न। फिर मैंने लिखा साइन सी माइनस साइन डी, और मैं बोल रहा हूं ना अभी दिक्कत होगी थोड़ी सी, बट एक दो दिन में तुम फ्री हो जाओगे इस फॉर्मूले से, फ्री हो जाओगे मतलब फिर तुम एकदम दिमाग में बैठ जाएगा, उसके लिए जरूरी क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। मैंने क्या बोला, अगेन जैसे फॉर्मूले तो लिखवा ही लूंगा मैं, लिख ही रहे हम, बट फॉर्मूले रटना इज नॉट सफिशियंट, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि फॉर्मूले अभी याद करोगे ना डेफिनेटली एक महीने बाद, जैसे मैंने पहले ही बताया तुम लोग को, भूल ही जाओगे 100%, वो दिमाग में स्टेबल कब होंगे, जब तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। और अगेन मैं पहले ही बोल रहा हूं, क्वेश्चन प्रैक्टिस जब भी करो, जो भी मैं शीट दे रहा हूं वॉट एवर, डोंट कीप फॉर्मूला लिस्ट विथ यू, कभी फिर ट्रिग्नोमेट्री नहीं सीख पाओगे, कभी तुम्हें फॉर्मूले याद नहीं हो पाएंगे जीवन भर, ठीक है ना, दूर दूर रखो उसको, फॉर्मूले की बुक को, जो भी तुमने अगर बनाई है फॉर्मूले की शॉर्ट नोट्स बनाए, बनाना चाहिए डेफिनेटली, बट उसको जब प्रैक्टिस कर रहे हो डोंट कीप विथ यू, कीप इट अपार्ट साइड, ठीक है। चलो अब साइन सी माइनस साइन डी में कहता है टू साइन सी माइनस डी बाई टू कॉस c प्लस डी बाई टू, अब हमारे क्या आएंगे साइन कॉस कॉस वाले, तो कॉस c प्लस कॉस d इज इक्वल टू टू कॉस c प्लस डी बाई टू कॉस c माइनस डी बाई टू, और लास्टली कॉस c माइनस कॉस d, इसको मैं स्टार मार्क कर रहा हूं क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, याद है ना माइनस टू आता है, तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, चलो अंदर मैं एडजस्ट करता हूं, तो टू साइन c प्लस डी बाई टू साइन डी माइनस सी बाय टू, मैंने देखो बोला भी थोड़ा अलग टोन में, ठीक है ना, इसलिए इसका मतलब इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इन द सेंस कंफ्यूजिंग है, इसलिए इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं इंपॉर्टेंट चारों ही है, ठीक है ना, बट इसमें हमें याद रखना डी माइनस सी बाय टू तक कब होता है, कॉस सी माइनस कॉस डी में, क्लियर है, तो एक जगह तुम लोग भी लिख लो इसको चारों फॉर्मूले को, ठीक है। चलो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर, जो भी पढ़ा भी हमने ये वाले फॉर्मूले, ठीक है ना, इसके ऊपर हम क्वेश्चन देख रहे हैं, अब मैं इसको रब कर दे रहा हूं, ठीक है, और अभी भी जो भी मैं क्वेश्चन दूं तुम वीडियो पॉज करके, या तो एक काम करो पहले पांच सात मिनट वीडियो पॉज करे रहो और इनको एकदम दिमाग में बिठाओ, ठीक है ना, क्लासरूम में ऐसा करता हूं, जब ये कराता हूं ना क्लासरूम्स में, मतलब हम क्लासरूम्स में होते हैं, ऑफलाइन होता है, तब
जब फॉर्मूले दे दिए ना उसके बाद क्या है कि 5-10 मिनट में बोलता हूँ बच्चों को तुम याद करो फॉर्मूले, ठीक है ना, फॉर्मूले याद करो, क्योंकि अगर नहीं बोल दूंगा ना तो क्या करते हैं, जैसे तुम लोग अभी बहुत से लोग करोगे कि मैं क्वेश्चन दूंगा ना तुम पेज पलटोगे फॉर्मूला क्या है फॉर्मूला क्या है, तो दैट विल नॉट हेल्प एक्चुअली। इसलिए अभी भी मैं बोल रहा हूं सीखना है तो ट्रस्ट मी अभी तुम 5-10 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके एक बार दिमाग बिठा लो। हाँ, अगर पहले से तुम्हें याद है तुमने फाउंडेशन में पढ़ाया और तुम एकदम रटे हुए तो डेफिनेटली यू कैन कंटिन्यू विद द वीडियो, बट अगर तुमने नहीं पढ़ा इट इज न्यू फॉर यू, ठीक है ना, और तुम्हें कंफ्यूजन लगता है या पहले पढ़े हो लेकिन अभी याद नहीं है फॉर्मूले, तो वीडियो पॉज करके पहले अच्छे से इसको रटो 5-10 मिनट दिमाग में बिठाओ, उसके बाद क्वेश्चंस पे जंप करना। क्यों, मैं चाहता हूं कि तुम जब क्वेश्चंस करो वीडियो पॉज करके खुद से अटेम्प्ट करो तो यू शुड नॉट लुक इनटू द फॉर्मूला, पीछे पलट के नहीं देखना है हमें बुक, ठीक है ना। चलो तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। मैंने बोला अभी हम थोड़ा इजी पार्ट करेंगे और धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, बीच में क्वेश्चन अच्छे भी दूंगा, बट अभी मेरा टारगेट क्या है तुम लोगों का एट प्रेजेंट, ये चारों फॉर्मूले टिप्स पे कराना है मुझे तुम्हें, टिप्स पे एकदम ये फॉर्मूले रटाने हैं। तो चलो वीडियो पॉज करो तुम करो और डोंट लुक एट द फॉर्मूलेस, गलती होगी ना तभी ज्यादा सीखोगे, याद रखना। जब तो जैसे मान लो तुमने अभी इधर लगाया, मान लो इसमें तुमने cos c + cos d लगाया, इसमें लगाया, कैसे किसी में भी लगाया, और मान लो तुम्हारा कुछ गलत आ गया ना रिजल्ट, तो तुम्हें जल्दी याद होगा, याद रखना 100% मेरा स्टेटमेंट ट्रू है ये स्टेटमेंट। अगर तुमने इधर गलत करोगे ना और फिर मैंने बताया, फिर तुम देखोगे अरे यार मैंने तो ये लगा दिया इधर तो माइनस आता है, फिर वो चीज तुम्हारे दिमाग में कभी गलती नहीं होगी अगले वाले क्वेश्चन, वही चीज एटलीस्ट वाली पर्टिकुलर चीज तो कभी गलती नहीं करोगे दोबारा, ठीक है। चलो अब मैंने बोला cos c + cos d तो क्या हो गया, 2 cos क्या था, cos c + d / 2 तो 55 + 65 / 2 cos, एक तो था cos c + d / 2 cos c - d / 2 तो 55 - 65 / 2, इसको एक मिनट के लिए एज इट इज रहने दो, डिपेंड करता है पहले इधर क्या आ रहा है उसके हिसाब से हम इसको एडजस्ट करते हैं, ठीक है ना। वैसे हम इसको कई तरीके से लिख सकते हैं, पाई माइनस थीटा करके भी कैसे भी, बट पहले इधर देख लेते हैं हम क्या एंगल आ रहा है, ठीक है। तो मैंने लिखा 2 cos, अब देखो ये क्या आ रहा है, 55 प्लस 65 120, y2 इज cos 60, तो ये तो बहुत अच्छी वैल्यू आ गई है ना, और ये कितना आ गया cos ऑफ 55 माइनस 65 माइनस 10 बाई 2 माइनस 5, और cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा होता है तो दिस इज cos 5, अच्छा, और ये लिखा है प्लस cos 175, क्लियर है। अब 2 cos 60 क्या होता है, हाफ, तो वो हाफ और ये 2 कैंसिल, अब ये cos 5 है और ये अब या तो इसको कन्वर्ट कर ले या इसको, ऑफ कोर्स मैं इसको करूंगा, इसको क्या लिखूंगा मैं cos ऑफ 180 माइनस 5 और ये लिखा है cos ऑफ 5, और cos ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है माइनस cos थीटा, तो दिस माइनस cos 5 और इधर क्या आ रहा था cos 5, तो फाइनली क्या निकला हमारा आर्यभट्ट जी दैट इज 0, क्लियर हुआ। अभी ऐसा नहीं सोचना कि यही मेंस में एडवांस में ये क्वेश्चन आया, ऐसा नहीं है। अभी मैं क्या टारगेट अभी मेरा शुरू के कुछ क्वेश्चंस में यू शुड मेमोराइज द फॉर्मूले, वो रटना है, और वो रटने के लिए ही मैं तुम लोगों को बोल रहा हूं पीछे मत पलट के देखना। हाँ, अभी गलती की मान लो तुमने गलती किया मान लो इधर, तब एक बार गो थ्रू करो दोबारा, इसका मतलब तुम्हें याद नहीं हुए, ठीक है ना। चलो मैं इसको रब कर देता हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी इसी कैटेगरी के लेंगे हम, ठीक है ना, सो दैट हमारे फॉर्मूले और पक्के हो जाए। तो मैंने बोला नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइन 50 माइनस साइन 70 प्लस साइन ऑफ 10 डिग्री निकालना है इसको, ठीक है। तो करो पॉज करके करो एक बार, खुद से ट्राई करो, ठीक है ना, खुद से ट्राई करो। चलो मार्कर चेंज करता हूं मैं, तो क्या करें, कोई भी दो को क्लब करो, तो लेट्स से मैंने इन दोनों को क्लब किया, ठीक है ना, इन दोनों को क्लब किया। देखो एक चीज क्या है ना, जैसे मैंने तुम्हें बोला था कभी भी जैसे साइन ऑफ सीरीज वगैरह के क्वेश्चन है या फिर ऐसे साइन के दो चार टर्म्स लेके, जस्ट फोकस ऑन द एंगल्स फर्स्ट, और क्या करो जैसे अभी तो ठीक है स्टार्टिंग है तो तुम पहले लगाओगे फॉर्मूले फिर देखोगे क्या जनरेट हो रहा है, बट तो जब तुम्हारा प्रैक्टिस अच्छा खासा हो जाएगा ना तो एक दो स्टेप तुम मन में ही कैलकुलेट कर लोगे, मन में कैलकुलेट कर लोगे। इससे मेरा मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये क्वेश्चन देखा तो मेरे दिमाग में एक दो स्टेप बाद क्या बनेगा वो दिमाग में छप जाना चाहिए, इतना प्रैक्टिस चाहिए हम लोगों को। तो जैसे मैंने एक मन में कैलकुलेट किया कि 50 माइनस मतलब साइन सी माइनस साइन डी लगाएंगे तो क्या आएगा, दोनों कॉस के टर्म्स आएंगे, पहली बात तो एक मिनट सॉरी एक साइन आएगा एक कॉस आएगा,
साइन सी माइनस डी बाई टू आएगा, कॉस सी प्लस डी बाई टू आएगा। तो देखो सी प्लस डी बाई टू तो हैंडल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि वो नॉन एंगल आएगा, 70 प्लस 50 120 बाई टू। ये मैं क्या बोल रहा हूं, ये लिखना नहीं है, ये माइंड में होना चाहिए कैलकुलेशन, समझ में आ रहा है। फिर मैं बोला डिफरेंस कितना है 20, और डिफरेंस का 2 होता है, डिवाइड बाय 2 होता है सी माइनस डी बाई टू, तो उससे 10 जनरेट हो जाएगा। तो फील आ रही है हाँ, इस टाइप की कोई चीज हो रही है। क्लियर हुआ मैंने क्या बोला? 2-3 डाउन द स्टेप हमें एकदम क्लियर आना चाहिए दिमाग में, मतलब समझ में आ रहा है ना। चलो तो मैंने बोला साइन सी माइनस साइन डी, तो साइन सी माइनस साइन डी करते हैं। चलो तो मैंने बोला ये हो गया सेकंड फॉर्मूला हमारा, 2 साइन सी माइनस डी बाई टू, तो 50 माइनस 70 बाई टू, क्लियर है। कॉस सी प्लस डी बाई टू, तो 50 प्लस 70 बाई टू, और ये हो गया प्लस साइन 10, क्लियर है। अब देखो मैं यही चेंज कर रहा हूं सारा, एक इसी स्टेप में आप क्लियर कर देते हैं। कॉस ऑफ 120 बाई टू कॉस 60, कॉस 60 और 2 कैंसिल, कॉस 60 हाफ होता है। ये क्या लिखा है, 50 माइनस 70 माइनस 20 बाई टू, साइन ऑफ माइनस 10 विच इज माइनस साइन 10 विच इज माइनस साइन 10, और उधर क्या लिखा है प्लस साइन 10, तो फाइनली क्या मिला, अगेन सेम आंसर दैट इज 0, क्लियर है। चलो और क्वेश्चंस करते हैं। आज का क्लास मेरा टारगेट है ये तुम लोग एकदम अच्छे से रट जाओ, ठीक है ना। मैं कुछ क्वेश्चंस ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। चलो मैंने लिखा cos 20 प्लस cos 100 प्लस cos ऑफ 140, करो चलो करो खुद से करो, ठीक है ना, खुद से करो cos करके, मैं इसको बता रहा हूं। तो अगेन अब क्या करें, कौन से दो पकड़े, तो पकड़ने में तो हम कोई से भी दो पकड़ सकते हैं, जैसे मैंने मान लो ये दोनों पकड़े। अब मैंने क्या बोला, एक बार माइंड में कैलकुलेट करो इससे क्या क्या जनरेट होगा हमारा। तो 100 एक तो सम डिवाइड, सम ऑफ एंगल डिवाइड बाय 2, मतलब 100 प्लस 20 120 डिवाइड बाय 2 60 हो जाएगा, तो 60 तो डील हो जाएगा बिकॉज दैट इज अ स्टैंडर्ड एंगल, उसका तो साइन कॉस सब कुछ पता है। दूसरा एंगल क्या जनरेट होगा, दिस प्लस दिस माइनस दिस, तो दिस माइनस दिस करोगे तो 20 माइनस 100 क्या आएगा, माइनस 80, डिवाइड बाय 2 करोगे तो 40 आ रहा है। तो क्या ये 40 में कन्वर्ट हो सकता है, हाँ ये 140 है तो पाई माइनस थीटा करके हो जाएगा। तो ये चीजें तुम्हारी माइंड में कैलकुलेट होना चाहिए बिफोर प्रोसीडिंग। चलो तो मैंने इधर cos c + cos d लगाया, 2 cos c + d / 2 20 + 100 / 2 cos c - d / 2, तो 20 - 100 / 2 + cos of 140, सेम कैटेगरी के क्वेश्चन है जो मैंने तीनों लिए। अब अगेन ये क्या हो गया, 100 + 20 120 / 2 60, cos 60 is half, वो half 2 से कैंसिल। ये मेरा क्या बना, cos of 20 माइनस 100 माइनस 80 बाई 2 माइनस 40, और कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो ये कॉस 40 बना। और बेसिकली ये क्या बनेगा, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, कॉस ऑफ 180 माइनस 40, और कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होगा, माइनस कॉस थीटा, तो दिस इज माइनस कॉस 40, और इधर क्या लिखा है कॉस 40 विच इज नथिंग बट फिर हो गए सेम चीज, क्लियर है। अब याद हो गए होंगे, ठीक है ना। चलो तो पॉज करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम। ट्रिग्नोमेट्री के टोटल मैंने तुम्हें पहले भी बताया इंट्रोडक्शन, चार पार्ट है, ठीक है ना, इलेवंथ में तीन पार्ट है, और जो नेक्स्ट पार्ट है ना वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, तो उसके लिए लेकिन हमें फर्स्ट पार्ट स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। चलो मैंने बोला, चलो कॉस 18 डिग्री माइनस साइन 18 डिग्री इज इक्वल टू रूट टू साइन 27 डिग्री, इसको करो करो इसको पॉज करके। चलो इसको हम दो तरीके से करेंगे, इसको हम दो तरीके से करेंगे। देखो पहले तो मैंने जो अभी बता रहा था मेथड वन डायरेक्टली करते हैं, जो अभी हमने सीखा जस्ट, तो क्या था हमारा देखो। अच्छा अभी जो मैंने फॉर्मूले पढ़े हमने, सुनना ध्यान से सुनना मैं क्या बोला, अभी जो हमने फॉर्मूले पढ़े उसमें देखो दोनों एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो था, लेकिन दोनों साइन थे या दोनों कॉस थे, नोटिस करो चारों फॉर्मूले में, जैसे साइन सी प्लस साइन डी साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी कॉस सी माइनस कॉस डी, एस ये थे, ये नहीं था कि साइन सी माइनस कॉस डी वगैरह। तो डेफिनेटली क्या करें हम, हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो इसको कॉस में कन्वर्ट कर लें या इसको साइन में, वॉट एवर वे कोई भी चलेगा, दोनों से एग्जैक्ट आंसर आएगा। तो क्या कर रहे हैं हम, इसको कर लेते हैं कन्वर्ट, बिकॉज साइन सी माइनस साइन डी लगाना आसान होता है, आसान तो खैर दोनों ही होते हैं, बट उसमें वो डी माइनस सी करना होता है। तो मैंने क्या किया, इसको लिख लिया कॉस ऑफ एक मिनट सॉरी साइन ऑफ 90 माइनस 80 करेक्ट लगा, माइनस साइन 18
करेक्ट लिखा है यहां तक, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। अब ये क्या लिखा लिखा है, साइन ऑफ 90 में से 80 गया, 18 गया तो 20 ज्यादा है तो 70, सो 72 माइनस साइन 18। क्लियर है? अब क्या लगा दे, अब लगा सकते हैं हम साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी लगा सकते हैं। ठीक है, तो लगाते चलो, तो 2 साइन सी माइनस डी बाई टू, 72 माइनस 18 बाय टू, कॉस सी प्लस डी बाय टू, तो 72 प्लस 18 बाय टू। अब आ रही होगी फील, अब आंसर आने वाला है हमारा। ये कितना लिखा है, 72 प्लस 18 90, 90 बाय टू इज 45, तो कॉस 45 मतलब 1 बाय रूट टू, तो इसको लेके 1 बाय रूट टू। ये देखो एंगल यही वाला है कि 27, 72 में से 18 गया तो कितना बचेगा, 54, 54 डिवाइड बाय 2 इज 27, तो साइन 27, ये 2 और ये रूट 2, तो रूट 2 बन गया। तो फाइनली हमारा क्या बना, रूट 2, रूट 2 कैसे है, 2 अपॉन रूट 2 से, रूट 2 साइन 27 डिग्री। यहां तक क्लियर हुआ? ये तो गया एक तरीका इसका, ठीक है। अब इसका ऑल्टरनेटिव अप्रोच देखते हैं, मैंने बोला ऑल्टरनेटिव अप्रोच, अब उस चीज की मदद से देखते हैं कौन सा। चलो मैं एक बार तुम्हें हिंट देता हूं, तुम ट्राई करो। मैंने बोला जो भी हमने इससे पहले जो टॉपिक देखा था, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, उसमें भी हमारा हमने इसको क्लब करके लिख पा रहे थे ना, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर वो सब करके, तो जस्ट ट्राई विद दैट वे, ठीक है ना, दैट इज अ हिंट, हो पा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं तो अभी बता ही रहा हूं। चलो मैंने क्या किया, मेथड टू क्या किया, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, जो उसका प्रूफ था ना वो अपने क्वेश्चन में अप्लाई कर रहे हैं। तो मैंने कहा cos का कोफिशिएंट 1 है, इसका माइनस 1 है, तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, रूट 2, तो बेसिकली रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो नीचे वाला जो रूट 2 है वो अंदर लेके गया, तो cos 18 माइनस 1 बाय रूट 2 sin 18। क्लियर है यहां तक? अब 1 बाय रूट 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 बाय रूट 2 को क्या लिख सकता हूं, साइन ऑफ 45 डिग्री, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन ऑफ 45 डिग्री, तो ये भी अपने आप में क्या हो गया, cos 45 डिग्री। यहां तक क्लियर है? तो अल्टीमेटली मेरा क्या बन गया, रूट टू, ये बन गया साइन 45 इंटू कॉस 18 माइनस कॉस 45 इंटू साइन 18। ये क्या बन गया फाइनली, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, विच इज साइन ऑफ ए माइनस बी, तो ये तो रूट टू लिखा है और साइन ऑफ ए माइनस बी, 45 माइनस 18, तो 45 में से 18 गया तो क्या आएगा, 27, तो हो गया हमारा झटके का प्रूफ, समझ में आया? ठीक है, चलो इसके आधार पर हम एक नोट लिख लेते हैं, नोट मतलब इसको भी हम याद रखेंगे, इस टाइप के एक्सप्रेशन को क्या है वो एक्चुअली एग्जैक्ट, चलो उसको मैं लिख देता हूं, उसके बाद हम फिर क्वेश्चन करेंगे। मैंने क्या बोला, पहले इसको कॉपी करो, वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, ठीक है, दोनों मेथड से। अब मैंने बोला जो मेरे को अभी याद आया है, ये पैटर्न के आधार पे एक दो नोट लिख लेते हैं, नोट मतलब फॉर्मूला ही है बेसिकली। देखो ये लिख रहा है, देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को हम क्या क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को, तो देखो क्या किया इसको लिखने के लिए, और फिर हम साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का भी लिखेंगे, ठीक है। मैंने चलो पहले तुमने एक बार डेरिवेशन से लिखा इसको, इसको क्या लिख सकते हैं, रूट टू टाइम्स साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाय फोर, या फिर रूट टू टाइम्स, और इसको मैंने लिखा कॉस ऑफ एक्स माइनस पाई बाय फोर, शॉर्ट तरीका हो गया हमारा। आया कैसे, बेसिकली आया कैसे, ये हमारा वही रूट टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ये ऐसे पहले तो फॉर्मूला बॉक्स बना के लिख लो इसको, ठीक है ना। अब इसका प्रूफ देखना है तो वो तो एक झटके में आ जाएगा, क्या करें हम, रूट टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैंने बोला इसको रूट टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो रूट टू और अंदर वाला रूट टू ये ले गए, रूट टू साइन एक्स प्लस वन बाय रूट टू कॉस एक्स। अब मैंने बोला अगर मुझे इसको साइन के फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है तो क्या होना चाहिए, एक साइन एक कॉस आना चाहिए, तो इसको मेरे को मन से क्या बनना पड़ेगा, कॉस 45, और इसको क्या मानना पड़ेगा, अपने आप हो जाएगा मतलब साइन 45। अब जो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, विच इज साइन ऑफ ए प्लस बी, तो साइन ऑफ एक्स प्लस 45, एक्स प्लस पाई बाय फोर। अब मैंने बोला मुझे कॉस में कन्वर्ट करना है तो कॉस के साथ कॉस को लेना है, तो दिस इज कॉस 45। अब इसको ये साइन 45 हो गया, अब ये क्या हो गया, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, विच इज कॉस ऑफ ए माइनस बी, तो कॉस ऑफ एक्स माइनस पाई बाय फोर। क्लियर हुआ? इसको भी बॉक्स में लगा लो, क्योंकि अब ऐसा एक्सप्रेशन दिया होगा, यू शुड बी एबल टू कन्वर्ट इट दिस वे, मतलब याद होना चाहिए इसको, ठीक है ना, बहुत बहुत फ्रिक्वेंटली आता है ये, ठीक है ना।
चलो अब मैंने बोला माइनस वाला और देख लेते हैं, तो इधर लिख लिया मैंने साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, करो एक बार तुम लोग करो, साइन और कॉस दोनों के टर्म्स में तुम्हें जवाब देना है, ठीक है तुम्हें लिखना है, मैं इधर लिख रहा हूं। तो देखो रूट टू से मैंने जब करूंगा तो रूट टू तो बाहर आएगा ही आएगा, ठीक है मैंने बोला ऐसे लिखना है, तो मैं देखो रूट टू साइन ऑफ समथिंग और रूट टू कॉस ऑफ समथिंग, अभी तुम्हें अंदर भरना है क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ठीक है अब हम भरते हैं इसको। तो मेरे पास जब साइन का करूंगा मैं तो मेरे को ये जो फॉर्मूला बनना चाहिए वो ऐसा बनना चाहिए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है तो साइन एक्स के साथ क्या होना चाहिए कॉस ए कॉस ऑफ पाई बाय फोर होना चाहिए था, तो कॉस ऑफ पाई बाय फोर होगा तो ये क्या हो जाएगा साइन ऑफ एक्स माइनस पाई बाय फोर, करके देख लो ओपन कर लो यही आएगा। अब मैंने बोला कॉस के साथ लिखना है, अब कॉस के साथ क्या लिखे तो इसको समझ लेते हैं एक बार, मैंने कहा रूट टू बाहर है ये लिखा है वन बाय रूट टू साइन एक्स और ये हो गया माइनस वन बाय रूट टू कॉस एक्स, क्लियर है अब देखना ध्यान से। अब मैंने बोला अब मुझे कॉस वाला कन्वर्ट करना है तो इधर क्या चाहिए कॉस ए कॉस भी चाहिए तो इसको मेरे को कॉस एक्स मानना पड़ेगा कॉस एक्स और ये मेरा क्या हो जाएगा साइन एक्स साइन सॉरी कॉस एक्स नहीं कॉस 45 और ये हो जाएगा साइन 45 तो साइन ए कॉस ए कॉस भी माइनस साइन ए साइन बी की जगह एक माइनस एक्स्ट्रा आ रहा है तो पहले तो मैंने क्या किया इसको माइनस बाहर लेके इसको प्लस कर दिया इसको माइनस कर दिया अब कन्वर्ट हो गया माइनस रूट टू टाइम्स कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या होता है कॉस ऑफ ए प्लस बी तो माइनस रूट टू टाइम्स कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई बाय फोर ये हो जाएगा, क्लियर है। और लास्टली एक तो ये हो गया मेमोराइज करना है तो कर लो ऑफ कोर्स फायदा होगा और एक तुम इसको ऐसे ले लो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स उल्टा करके रूट टू टाइम्स साइन ऑफ समथिंग और फिर वही रूट टू टाइम्स कॉस ऑफ समथिंग, ठीक है अब क्या करेंगे अगेन रूट टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो जब मुझे साइन चाहिए तो इधर साइन के साथ क्या आना चाहिए कॉस आना चाहिए तो वन बाय रूट टू को क्या मानूंगा कॉस 45 बट इधर एक माइनस कॉमन लेना पड़ेगा तो पहले मैंने क्या किया माइनस कॉमन ले लिया तो बेसिकली माइनस कॉमन लेके यही चीज बन गई तुम्हारा क्या हो जाएगा यही चीज बन जाएगी माइनस के साथ तो एक्स माइनस पाई बाय फोर। अब आते हैं कॉस वाले में तो कॉस वाले में तो डायरेक्टली बन जाएगा ये क्या हो जाएगा वन बाय रूट टू से मल्टीप्लाई करूंगा फिर कॉस के साथ कॉस चाहिए बिकॉज इधर कॉस के टर्म्स में लिखना है तो कॉस कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी तो कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई बाय फोर, क्लियर है। बेसिकली ये दोनों क्या है एक दूसरे के नेगेटिव है ना तो यू कैन सी बोथ आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर आर एच एस को देखो ध्यान से, ठीक है चलो ये मैंने सोचा उस क्वेश्चन के बदौलत मुझे याद आया तो मैंने कहा एक बार ये और बता देता हूं, ठीक है चलो अब हम एक दो क्वेश्चन और देखते हैं उसके ऊपर। क्वेश्चन इज चलो एक क्वेश्चन मैंने तुम्हें पहले एक दो क्लास पहले दिया था, ठीक है मैंने बोला था आगे चल के जब हम ये साइन सी प्लस साइन डी वगैरह फॉर्मूले पढ़ लेंगे तब भी हम इसको करेंगे तो एक बार उसी क्वेश्चन को ले लेते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 3 क्वेश्चन देख के तुम्हें याद आ जाना चाहिए और एक बार मैं पुराना वाला अप्रोच भी दोबारा डिस्कस करूंगा पूरा सॉल्व नहीं करूंगा टेन ऑफ थीटा प्लस अल्फा प्लस टू टेन अल्फा इक्वल्स टू जीरो हमें दे रखा था इफ दिस इज गिवन देन वी हैव टू प्रूफ दैट थिंग। तो देखो पहले हम वो बताता हूं मैंने उधर क्या किया था हमने पुराने वाले अप्रोच में क्या किया था हमने देखा कि जो एंगल्स थे जो प्रूफ करना है उसमें थीटा प्लस अल्फा दिया है और अल्फा दिया है तो मैंने बोला था जो गिवन है क्या हम उसमें उन एंगल्स को जनरेट कर सकते हैं तो आंसर मिलेगा यस। कैसे इसको मैं लिख सकता हूं साइन ऑफ थीटा को मैं लिख सकता हूं अल्फा प्लस थीटा माइनस अल्फा। अब ये एक एंगल हो गया ये एक एंगल हो गया ये दोनों एंगल कौन से हैं वही एंगल है जो प्रूफ दैट में दिए इज इक्वल टू 3 टाइम्स साइन ऑफ इसको मैं लिख सकता हूं अल्फा प्लस थीटा प्लस अल्फा ये एक एंगल हो गया ये एक एंगल हो वही एंगल है जो इधर दिए बस अब क्या करो ओपन कर दो साइन सी माइनस साइन ऑफ सी ए माइनस बी लगा दो इधर साइन ऑफ ए प्लस बी लगा दो क्लियर है ऐसा कर क्यों रहा है टू प्रूफ में जो प्रूफ करना था मतलब टू प्रूफ में जो दिया था उनके एंगल्स को देख के मैंने ऐसा लिखा क्लियर है। अच्छा अब इसका दूसरा तरीका मेथड टू ठीक है चलो अब मेथड टू पे आते हैं क्या किया अब चलो एक बार एक काम कर दो मैंने तुम्हें हिंट दिया चलो मैंने बोला कंपोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई करेंगे कंपोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई करेंगे अब बताओ कैसे लगाएं कंपोनेंटो डिविडेंडो जस्ट थिंक इट कैसे लगाएं अब मैं इसको बता रहा हूं सुनना ध्यान से क्या किया इसको थ्री को इसके वेरिएबल टर्म एक साथ लिखी तो मैंने इसको ऐसे लिख सकता हूं साइन ऑफ थीटा प्लस टू अल्फा अपॉन साइन थीटा
कितना हो जाएगा ये, ये साइन थीटा को बेसिकली इसके नीचे लेके आया हूं, थ्री को इसके वन के नीचे लेके आऊंगा, तो दिस इज वन बाय थ्री। यहां तक क्लियर है? अब सी एन डी लगाओ, कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड। क्या लगाएंगे, क्या लगाते हैं कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड में, न्यूमरेटर ए प्लस, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर। तो मैंने कहा साइन ऑफ, उल्टा भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि न्यूमरेटर में हमेशा ऐड करके लिखें, उल्टा भी लिख सकते हैं, बट जो इधर कर रहे हो ऑपरेशन वही तुम्हें आरएचएस में करना पड़ेगा। तो मैंने लिखा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू वन प्लस थ्री, अब डिनोमिनेटर में आ जाते हैं, मैंने लिखा साइन ऑफ थीटा प्लस टू अल्फा माइनस साइन थीटा, अब इधर आ जाते हैं तो वन माइनस थ्री। यहां तक क्लियर है? क्या लिखा है हमने, कंपोनेंटो डिविडेंडो, लिख लेना इधर कंपोनेंटो डिविडेंडो। अब वाला फॉर्मूला लगाते हैं जो आज हम ट्राई किए, अब समझ में आ गया मैंने उस दिन क्यों नहीं बताया था, बिकॉज तब तक हम ये फॉर्मूले नहीं पढ़े थे साइन सी प्लस साइन डी के या साइन सी माइनस साइन डी के, ठीक है, लेकिन आज पढ़ लिए हैं तो अब इसको कर सकते हैं। तो साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, फर्स्ट फॉर्मूला टू साइन सी प्लस डी बाई टू, तो थीटा प्लस टू अल्फा प्लस थीटा होल डिवाइड बाई टू, कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई टू, तो दिस माइनस दिस करूंगा तो थीटा गायब हो जाएगा, टू अल्फा बाई टू आ जाएगा होल डिवाइडेड बाय, फिर साइन सी माइनस साइन डी टू साइन, इधर अब साइन सी माइनस डी होता है सी माइनस डी बाई टू, तो दिस माइनस थीटा करूंगा डिवाइड बाई टू करूंगा तो टू अल्फा बाई टू, कॉस के साथ इसमें एडिशन होता है तो दिस प्लस दिस बाई टू करेंगे, चलो लिख लेते हैं पूरा, टू थीटा प्लस टू अल्फा प्लस थीटा होल डिवाइड बाई टू, दिस इज इक्वल टू इधर आता वन प्लस थ्री फोर और वन माइनस थ्री इज माइनस टू। चलो अब इधर करता हूं मैं, देखो ध्यान से, मैंने बोला पहली बात तो ये टू से टू कैंसिल, ठीक है, और ये फोर अपॉन माइनस टू को डायरेक्टली लिख दूं, इधर मैं इधर ही चेंज करो तुम अलग लिख लेना माइनस टू, दिस इज माइनस टू। अब देखो ये एंगल ध्यान से देखो, थीटा प्लस थीटा टू थीटा प्लस टू अल्फा बाई टू, तो ये थीटा प्लस अल्फा हो गया, मैं इधर ही चेंज कर रहा हूं, दिस इज थीटा प्लस अल्फा, तुम ऐसे सेपरेट स्टेप लिखना थीटा प्लस अल्फा, सिमिलरली दिस इज थीटा प्लस अल्फा, दिस इज थीटा प्लस अल्फा, क्लियर है? अब जो सेम एंगल है उनका लिख दो टेन के टर्म्स में, साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा अपॉन कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा, क्या हुआ टेन ऑफ थीटा प्लस अल्फा। चलो अब ये कॉस को इस साइन के नीचे लिख सकता हूं मैं, बिल्कुल लिख सकता हूं, बेसिकली ये भी क्या देखा टू अल्फा अपॉन टू, मतलब कॉस अल्फा लिखा है और ये साइन अल्फा लिखा है, इस कॉस को मैं इस साइन के नीचे लेके जा रहा हूं तो क्या हो जाएगा टेन अल्फा, तो अपॉन टेन अल्फा इज इक्वल टू माइनस टू, इधर से क्या आ गया टेन ऑफ थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू माइनस टू टेन अल्फा, लास्टली इसको इधर लेके आओ तो टेन ऑफ थीटा प्लस अल्फा इज प्लस टू टेन अल्फा इक्वल्स टू जीरो, वही तो हमें प्रूफ करना है, हेंस प्रूफ। क्लियर हुआ बच्चों? तो फिर आज का लेक्चर अपन यही एंड अप करते हैं, ठीक है ना, और तुम लोग शीट्स जरूर सॉल्व करो जो ट्रिग्नोमेट्री की थी, अभी से स्टार्ट करो, और मैं वैसे भी डिस्कशन लेने वाला हूं आज, ठीक है ना, बहुत अभी तक बहुत कम बच्चों ने सेंड किए डाउट, ठीक है ना, तो ज्यादा से ज्यादा डाउट सेंड करो सो दैट तुम लोगों का फायदा हो, ठीक है, तो फिर दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।